दोस्तों अगर आप भी ढूंढ रहे हैं सस्ते सुंदर कलर चेंजिंग स्नीकर्स, तो मैं लेके आया हूँ एशियन थंडर 01। ये आपको मिल जाएंगे 800 रुपए से लेकर 900 रुपए के प्राइस टैग पर, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप वहां से बाय कर सकते हो, जिसमें से हो गया फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन या फिर एशियन की ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, वहां से आप बाय कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो। देख लेते हैं इस स्नीकर का डिटेल रिव्यू। सबसे पहले बता देता हूँ आपको इसका बॉक्स। तो ये एशियन का एक नया बॉक्स नई पैकेजिंग के साथ आता है। भाई साहब टैग के पास एक स्कैन QR कोड भी देके रखा है, थंडर 01 की ब्रांडिंग देके रखी है और MRP है 1099। लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया है कि ये मिल जाएगा आपको 800 रुपए 900 रुपए के प्राइस टैग पे। इस स्नीकर आपको जब पहली बार देखोगे तो काफी कूल लुकिंग लगेगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि ये पूरा व्हाइट कलर में आता है और व्हाइट स्नीकर्स बेसिकली आपके पार्टी वियर में काम आ जाते हैं, आपके कैजुअल वियर में भी काम आ जाते हैं। आप में से कुछ लोग इस स्नीकर को देख के बोलोगे कि अरे यार ये तो मैं स्कूल में पहनता था गोला के शूज, तो हाँ ये कहीं ना कहीं उसी की कॉपी मुझे लगते हैं। यार हम कोई भी स्नीकर लेते हैं तो वहाँ पर मटेरियल हम जरूर चेकआउट करते हैं। तो ये है PU सिंथेटिक मटेरियल का पूरा ही शूज। यहाँ पर जो मटेरियल की क्वालिटी वो अच्छी है, 800 रुपए के प्राइस टैग के हिसाब से जो है एशियन ने अच्छा काम करके रखा है। डिजाइनिंग के मामले में आपको इधर उधर स्टिचिंग देखने को मिल जाती है, आगे की ओर आपको थोड़े बहुत डॉट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि स्नीकर को लुक को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। एशियन ने अपनी ब्रांडिंग भी काफी ज्यादा सटल करके रखी है। एशियन का एक लोगो जो है आपको एकदम मिडिल वाले पोर्शन में देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों ही साइड पे है, आपको लेफ्ट पे भी दिखेगा राइट पे भी दिखेगा, जो कि ब्लैक कलर का है। एशियन अपने लोगो पीछे की साइड में देके रखा है। इन सब के अलावा एशियन ने अपनी ब्रांडिंग एक और जगह करके रखी, बॉयज के हील वाले पोर्शन पे एशियन ने अपना मार्किंग छोड़ के रखी है। मतलब आपको जो है पूरा ही एशियन का हर जगह जो है मार्किंग दिखने वाली है। यार ये सब तो बात हुई इस बेसिक स्नीकर के ओवरऑल लुक की, लेकिन यहाँ पर सबसे जो खास बात है स्नीकर की जो इसको बहुत ज्यादा अच्छा बना देती है, वो इसका डुअल पर्पस। आप इसको जो है इंडोर में पहनोगे तो ये बिल्कुल ही व्हाइट स्नीकर ही रहेगा, लेकिन जैसे आप इसको पहन के धूप में जाते हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है 3 कलर्स में, येलो, पिंक एंड वायलेट। है कि नहीं खास बात। दिखा देता हूँ आपको इसका लाइव व्यू, देख सकते हो आप कि मैं भी जो है अंदर है, जैसे इसको मैंने बाहर ले गया हूँ ये कलर चेंज हो चुका है, वापस अंदर ले आया हूँ वापस व्हाइट हो चुका है। यू मटेरियल का आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि इसका जो कलर रहेगा वो सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा, तो विद द यूज जो है विद द आप जब भी यूज करते जाओगे इसको तो थोड़ा बहुत इसकी रिपेलेंट प्रॉपर्टीज है वो कम होती जाएगी। तो यार 800 रुपए में वो क्या ही लेंगे, 6 महीने भी पहन लिया तो आपको मजा आने वाला है। यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंट हूँ एशियन से वो है उसका मेमोरी फोम से। एशियन हमेशा अपने स्नीकर्स में मेमोरी फोम इंक्लूड करता है, लेकिन इस स्नीकर में उन्होंने ओमिट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ जो है कैजुअल फिट करके एशियन ने अपना इंक्लूड करके रखा है, लेकिन आप लोग जो है इसमें कंफर्ट देखने को मिल ही जाएगा। ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको एक्सट्रीम कंफर्ट नहीं मिलेगा या फिर यार मेमोरी फोम नहीं देके रखा है तो हमको मजा नहीं आने वाला है। थोड़ा कंफर्ट जो है मेमोरी फोम से कम है, लेकिन फिर भी आपका काम चल जाएगा। आप इस स्नीकर को अपने कैजुअल वियर में बिल्कुल ही यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सोल हाइट है गाइस वो है 1.2 इंच की, इसका मतलब आपका जो हाइट 1.2 इंच से बिल्कुल बढ़ने वाला है। इसका जो सोल का मटेरियल है गाइस वो पूरा ही रबर का है, काफी अच्छा यूज करके रखा है और यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत फेस करने को नहीं मिली है। यहाँ पर जो इसका टेक्सचर है गाइस वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, कारण क्या होगा कि आप लोग एक्सीडेंटली कहीं भी स्लिप नहीं कर जाओगे। यहाँ पर एशियन ने अपने शूज में अंदर की और इनर फैब्रिक भी यूज करके रखा है, उसके आपको स्वेटिंग जो देखने को नहीं मिलेगा और सेकंड आपको कंफर्ट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये सब होने के बाद शूज का वेट कितना है, स्नीकर का वेट कितना है। तो यहाँ पर जो स्नीकर का वेट है वो 350 ग्राम है, कहीं ना कहीं मुझे हाई वेट लगा है, लेकिन यार वो मटेरियल ऐसा रहता ही है, आप जो भी PU स्नीकर्स देखने जाओगे तो वो थोड़े जो है वेटेड होते ही है। उसका एक सिंपल सा रीजन है, इसका सोल का रीजन होता है, वो सोल जो यहाँ पर PU का रहता है तो उस कारण जो है शूज वेटेड हो जाते हैं। तो ये लेकिन एक कहीं भी एक आपके लिए डाउन पॉइंट नहीं है। स्नीकर्स देखने में काफ़ी ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है, आप इसको कहीं भी पहन सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, मज़ा आने वाला है आपको। कलर चेंज प्रॉपर्टीज की सबसे बेस्ट चीज लगी है मुझे और 800 रुपए में आपको अवेलेबल है। इसके वर्डिंग जो मैंने दे दिया है, बिंदास ले लो, 800 रुपए आपके कहीं भी नहीं जाने वाला है, 6 महीने भी पहने आपको मजा आने वाला है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।